मेरा नाम है सौरभ भट्ट, विदेश कामी पोत का तृतीय मेट थर्ड मेट ऑफ अ फॉर्म वेक्शन एवं उम कलाकार टैटू आर्टिस्ट एट कोयलबत टैटू स्टूडियो चंडीगढ़। मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में है। इस चलचित्र के पिछले भाग में एक दर्शक ने प्रश्न किया था कि उनके पास सेकंड मेट फॉर्म गोइंग सीओसी है, अब वह किसी कारणवश जहाज पे नहीं जा पा रहे, नौकरी नहीं मिल पा रही, उनके लिए मेरी क्या सलाह है, क्या किया जाए? एजेंट के वो पैसे खिला के जहाज पे जाएं, क्योंकि और कोई तरीका तो है नहीं जहाज पे जाने का, फ्रेशर को कोई लेने को तैयार नहीं, क्या किया जाए? मेरी सलाह सदा ये रही है कि एजेंट के जरिए कदापि ना जाए। एजेंट जोंक है, ये आपका खून चूस रहे हैं, इनसे बच के रहें, इनसे दूर रहें, इन्हें मत खिलाएं। एजेंट के जरिए जाना हो इससे अच्छा इस लाइन में ही ना जाए। ये बात पूरी हुई तो क्या चाह रहा है? इतनी मेहनत की, इतना पैसा लगाया, सेकंड मेट्स क्लियर किए, सीओसी भी आ गई, नौकरी नहीं मिल रही, क्या किया जाए? चर्चा शुरू करने से पूर्व, इस चलचित्र के प्रायोजक हैं एंजल्स हेवन स्कूल उत्तराखंड, जहां पे गरीबी रेखा के भीतर आने वाले बच्चे पाते हैं निशुल्क शिक्षा। यदि आप किसी इस प्रकार के बालक या बालिका को जानते हो तो संपर्क करें इस विद्यालय को। इसका संपर्क फोन नंबर, ईमेल आईडी, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बढ़ते हैं आगे, क्या चाह रहा है, क्या किया जाए? सेकंड मेट फॉर्म गोइंग सीओसी है, एजेंट के जरिए जाना नहीं, तो क्या किया जाए? आप वॉलंटियर कर सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं। कहां कहां? ग्रीन पीस, सी शेफर्ड्स, मे बी सेलिंग, ये तीन जगह, ये तीन संस्थाएं हैं, तीनों संस्थाएं अमेरिका की हैं। ग्रीन पीस सबसे बड़ी संस्था है। इन सब की मैं संपर्क, इन सब का मैं संपर्क डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप ईमेल इन्हें तुरंत भेजें। जब आप ईमेल भेजते हैं तो सब्जेक्ट में लिखें केवल अपना रैंक, इतना ही लिखें, बाकी आप ईमेल आईडी में लिखें कि मैं वॉलंटियर करना चाहता हूं। अब वॉलंटियर का अर्थ सबसे पहले क्या है? इसका अर्थ है कि आप मुफ्त में काम करेंगे, ठीक है? ये जो भी कंपनी है इसमें मुफ्त में सेल करेंगे, मुफ्त में काम करेंगे। तो आपका, आप, आपकी कोशिश, चेष्टा ये होनी चाहिए कि कुछ समय, कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट या कुछ समय, कुछ महीने आप वॉलंटियर करें, मुफ्त में काम करें, उसके पश्चात वो आपको पसंद कर लेंगे और फिर आप पेड ऑन जॉब आ जाओ। ये आपकी चेष्टा रहनी चाहिए जब इन कंपनी में आप वॉलंटियर करते हैं, ठीक है? ग्रीन पीस सबसे बड़ी संस्था क्या करती है? ये पर्यावरण को बचाने का कार्य करती है, ठीक? ग्रीन पीस के अंदर से ही निकला था सी शेफर्ड्स। सी शेफर्ड्स भी पर्यावरण बचाने का कार्य करती है, खास तौर पे जो इलीगल फिशिंग कर रहे हैं, ठीक है, वेल मछलियां मार रहे हैं, शार्क का शिकार कर रहे हैं इत्यादि, इन सबको पकड़ती है, मसालेदार। इसके बाद है मे बी सेलिंग। मे बी सेलिंग भी अमरीकी कंपनी है। इसमें क्या होता है? इसमें क्लिपर शिप्स होते हैं। क्लिपर शिप्स, यदि आपको नहीं पता क्या है, इसकी तस्वीर देखें, देखें यूट्यूब पे ये कैसे नजर आते हैं, बहुत ही रोमांचक, बहुत ही रोमांचक। इन तीनों में आप अपना सीवी भेजें, रैंक में केवल लिखें अपना ईमेल आईडी के सब्जेक्ट में केवल लिखे अपना रैंक, और ईमेल में आप कहें कि मैं वॉलंटियर करना चाहता हूं और मैं तैयार हूं। अब ग्रीन पीस में वैकेंसी होती ही नहीं, बहुत मुश्किल है कि वो आपको बुलाए। सी शेफर्ड्स तुरंत आपको बुला लेगा, मे बी सेलिंग आपको तुरंत बुला लेगा। अब समस्या कहां आती है, कहां पे समस्या आती है? समस्या ये होती है कि आपको जहाज ज्वाइन करना होता है अपने दम पर, मतलब
अमेरिका के किसी भी पोर्ट से आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो भारत से लेके अमेरिका तक आपको स्वयं जाना होगा। कंपनी खर्चा नहीं उठाएगी, आपको खर्चा खुद उठाना होगा। ये चुनौती है बस। अब अमेरिका जाना है तो वीजा भी होना चाहिए। आपको कौन सा वीजा चाहिए होता है? क्रू वीजा, C1D वीजा। हर एक मर्चेंट नेवी वाले नाविक को वैसे भी ये बहुत जरूरी होता है, बहुत ही मुख्य होता है। अगर एक आप बड़ी कंपनी में है, अच्छी कंपनी में है, तो कंपनी स्वयं अपने खर्चे पे आपका C1D वीजा लगवाती है। मेरे पास C1D वीजा है क्योंकि मैं पहले यूनिवैन में था। यूनिवैन बड़ी कंपनी थी। मैं दिखाता हूं, तो यूनिवैन बड़ी कंपनी थी, उन्होंने मेरा वीजा लगवा दिया। अगर आपके पास वीजा नहीं है, मुझे पासपोर्ट मिल नहीं रहा, पता नहीं कहां गया, फिर कभी दिखाऊंगा। तो बहुत आसान है C1D वीजा लगाना। ऑनलाइन जाना है, एप्लीकेशन भरनी है, सिर्फ आपको रीजन चाहिए होता है, आपको दिखाना होता है कि कौन सी कंपनी आपको जहाज पे बुला रही है जिसके कारण आपको C1D वीजा बनाना पड़ रहा है। तो वो जो भी दस्तावेज है वो आपको सी शेफर्ड्स, ग्रीन पीस या मे बी सेलिंग, जिस भी कंपनी में जा रहे हैं, आप उन्हें कहें, वो आपको लेटर बना के भेजेगी। आसान होता है, C1D वीजा खुद अप्लाई कर सकते हो, खर्चा भी ज्यादा नहीं आता है इसमें, शायद कुछ 10,000 का खर्चा आता है, ये आप खुद अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वैसे भी आप मर्चेंट नेवी में हो तो ये बहुत फायदेमंद चीज है। दूसरी कंपनीज में भी अप्लाई करते हैं तो वो कंपनीज भी पसंद करते हैं कि आपके पास C1D वीजा हो, ठीक है। ये तो आसान काम है, 10,000 ही लगाने हैं, ऑनलाइन बैठना है, कुछ समय इंतजार करना है, वीजा आ जाएगा। समस्या का काम है यहां से खर्चा करना अमेरिका तक का। अब आमतौर पे 1,00,000 का खर्चा होता है फ्लाइट का, ठीक है। तो अगर आपने जाना है तो आप 1,00,000 की ये टिकट बुक करवाते हैं, आप जाते हैं और उस पोर्ट पे आपको जाना है जहां पे शिप आने वाला है, इतना सा काम है, ठीक है। समस्या सिर्फ इतनी है कि ये जो 1,00,000 का खर्चा है ये आपको करना पड़ेगा। वैसे भी आप सोचें, अगर एजेंट के जरिए भी जाते हैं तो भी इतना ही खर्चा होगा, और कोई गारंटी नहीं, क्या पता एजेंट खा जाए पैसे, धोखा दे दे, भाग जाए, या गलत जहाज पे भेज दे, गलत देश में भेज दे, ईरान, वियतनाम, वेस्ट अफ्रीका, ऐसे गलत वातावरण में आप चले जाओ, गलत एजेंट से फंस जाओ, तो आपके पास ये भी चुनाव है, ठीक है। सोचिए, विचार करिए और देखिए, जीवन बहुत बड़ा है, मर्चेंट नेवी इकलौती चीज नहीं है, आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और सेकंड मेट FG लाइसेंस है, अभी भी आपके पास बहुत सारे चारे हैं। मैंने 3 चलचित्र इस पे बनाए, ये 4th चलचित्र, इसी प्रकार से और चलचित्र आते जाएंगे। हार ना माने, ठीक है, निराशा बिल्कुल ना आने दें, आशा को जगाए रखें, आप कर सकते हो, मुझे आप पे विश्वास है। सॉरी बट आउट।